ये कितने दिन जो है दीदी? कितने दिन से मेरी पौधा है? एक महीना लग लिखा है ना। एक महीना होली ने तब तो इतने बड़े दिखा दे ऐसे। ये तो अलग था भाई। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय ब्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, आज मैं अपने घर में बाड़ी में लगाने के लिए मिर्ची पौधा, टमाटर और बैंगन का पौधा लेने के लिए मैं जा रहा हूँ दूसरे घर में। वहाँ पर सुना हूँ कि वहाँ पर है, तो इसीलिए वहाँ पर जा कर ले कर आऊँगा। मैं भी बीज ला के लगाया हुआ था, लेकिन वो नहीं होगा है, अभी टाइम लगेगा उसका, तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, तो लेकर आऊँगा और यहाँ पर लगाएँगे। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग होने वाला है। दोस्तों, आप जहाँ पर भी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये मेरी दुआ है। तो गाइस, आइए चलते हैं बाइक में, तो मज़ा आएगा। अपना यामा MT में राइड करने का ही कुछ और ही मज़ा है यार। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए। गाइस, आप ये देख रहे हो, इसी रास्ते से होकर हम लोग को जाना है आगे की ओर। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। आप देख रहे हो, एक ग्रामीण इलाका है, ग्राम धर्मराज पंचायत का ग्राम लुड़खीरा से। आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग अभी आगे जाने के बाद नाला पार करेंगे। भाई, बहुत ही बड़ा नाला है जो जीरम नदी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। आगे और जाना है बहुत दूर। गर्मी का मौसम है, इसलिए यहाँ पर बाइक वगैरह पार होता है, नहीं तो बरसात के दिनों में यहाँ मुश्किल है पार करना। यह आप देख सकते हो कितनी बड़ी नदी है, वो दिख रहा है पहाड़ी, वहाँ से पूरा पानी इधर आता है। यह आप देख सकते हो, इसके किनारे में किनारे किनारे पूरा लंका लगाए हुए हैं, जो यहाँ के ग्रामीण भाई लोग हैं, जो आप लोग देख सकते हो। ये बाइक है मेरा यामा MT 15। देखिए भाई, से आप देख सकते हो यहाँ पर क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या सुंदर व्यू है भाई यहाँ पर। ये पूरा नदी किनारे किनारे यहाँ पर यहाँ के ग्रामीण जो भी लोग हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पर साग सब्जी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो, इसको मार्केट में ले जाकर बेचा जाता है भाई। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर गोभी, धनिया,
टमाटर, बैंगन, भिंडी, कई प्रकार की यहाँ पर सब्जियाँ मिलेंगी आप लोगों को। दूर दूर तक पूरा सब्जी ही नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। अगर यहाँ सब्जी कुछ और बढ़ने से और अच्छा ही लगेगा यहाँ पर, तो हम लोग यहीं पर आए हैं मिर्ची का पौधा, टमाटर बैंगन का पौधा लेने के लिए। जो यहाँ पर ये भाई ये तो इस टाइप का पानी डालते हैं भैया, देखिए यहाँ बैंगन का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हो ये खट्टा बाजी है, ये देखिए बहुत जोरदार लगा हुआ है। उधर दान बचा है उसको अभी निकालेंगे नहीं पका है, पूरा एरिया में सब्जी लगा हुआ है, देख सकते हो। भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर मिर्ची, टमाटर और बैंगन का पौधा यहीं पर हम लोग लेने आए हुए हैं। और यहाँ पर दीदी जी काम कर रही हैं, जो अपना बैंगन का पौधा है उसको पानी डाल रही है, तो इन्हीं से लेते हैं और यहाँ से जाएंगे। ये मिर्ची का पौधा है और ये वाला बैंगन और ये भी मिर्ची का पौधा है, आप देख सकते हो, इसी को लेने आए हैं हम लोग। ये मिर्ची पौधा को लेने आया हूँ भाई मैं घर से, इतना दूर आप देख सकते हैं, ये मिर्ची का पौधा है। ये सुखमन मुस्कुरा रहा है बढ़िया, और मिर्ची का पौधा उखाड़ रहे हैं देखिए। इधर घर वाले लोग भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये देख सकते हो। इधर टमाटर का पौधा है, ये देखिए ये टमाटर का पौधा इतना बड़ा बड़ा हो गया, कितने का मिलता है देखते हैं। ये कितने दिन जो है दीदी, कितने दिन से मिर्ची पौधा है? एक महीना लग लिखा है ना, एक महीना हो ली ने, तभी तो इतने बड़े दिखा दे ऐसे। ईद लगता भाई उन ए चल पाट कुती लगा लास ने माने दूसरे सिस्टम की ओक्ती ओक्ती ये लंबा भी थी कि ना नहीं भी थी मेरी लंबा भी थी हसन हसन घर ने उन लगान देखो देखो सन होते जाले सर। ए पाला लगाने ले जा रहे हैं खेत में कोराम सर के यहाँ है ना, ठीक है। ये देख सकते हो इतना 150 रुपया का मिला है भाई टमाटर पौधा और बैंगन का और मिर्ची का, ये देख सकते हो। ये मुस्कुरा रहे भाई साहब क्या का है देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है, यहाँ पर गांव में पीला में ऐसे रहते हैं देखिए भाई से, आप लोग देख रहे हो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे लोग नाच रहे हैं देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार रहते हैं और बढ़िया नाच रहे हैं देखिए, वीडियो में बने रहिए। चूरा के दिल मेरा गोरिया चला।